सांबा जिन्होंने इतना बढ़िया कार्य हमारे आज के स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर, ये जो हमारा अभियान है नशा मुक्त अभियान में आपने हिस्सा लिया एंड साथ ही फर्स्ट प्राइज बॉयज का क्या बात है यार, पूरी पूरी मैराथन रन की और फर्स्ट रहा। प्रोग्राम यहाँ करवाया जाए जिसमें यूथ को और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और एक बहुत ही खूबसूरत टीम रूही चूही सूरज सिंह जी उनके साथ जो उनके म्यूजिशियंस और सारंग, तो ये एक अभी शायद बता रहे थे पहले यहाँ पे एसएसपी साहब बैठे थे अभी चले गए, वो कह रहे थे कि सोने पे सुहागा हो गया कि मैराथन के बाद इस तरह का प्रोग्राम है। बहुत देर से इच्छा थी, आज वो इच्छा पूरी हुई। तो बच्चों ने थोड़ी सी कोशिश की डांस करने की, तो मुझे लगता है कि अगली बार जब हम ये प्रोग्राम करेंगे तो शायद कोई बैठेगा नहीं अपनी सीट पे, सब इधर होंगे, पहले से सोच के आएंगे कि हमने क्या करना है। तो बहुत ही अच्छी आपकी अमेजिंग परफॉर्मेंस थी और इस सबके थ्रू जो हम मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज ये है कि इस तरह की चीज़ों के साथ अपनी एडिक्शन रखिए, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इस तरह की रीडिंग, इस तरह की चीज़ों में अपने आप को इतना एडिक्ट कर लो कि आपको ड्रग्स की तरह ध्यान भी ना जाए। तो जैसे इन्होंने कहा कि जिंदगी का नशा, तो जिंदगी इतनी खूबसूरत है उसका नशा अगर आपको हो जाएगा तो फिर आपको ड्रग्स का नशा कभी भी नहीं होगा। थैंक यू। यूथ फेस्टिवल्स हो रहे हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि सांबा में भी हो रहा है और इसको हमने एक तो ब्लॉक लेवल पे छोटे छोटे इवेंट्स तो हमने किए ही, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आरोहन नाम से, आरोहन वाइब्रेंट यूथ वाइब्रेंट सांबा के नाम से ये एक यूथ फेस्टिवल दो दिन का था।
कल भी हमारा एक प्रोग्राम बहुत बड़ा मेगा स्केल पे हुआ है और आज एक हाफ मैराथन हमने सुबह शुरू किया था। उसमें काफ़ी सारे यंगस्टर्स और हमारे ऑफिसर्स, पुलिस और सिविल से ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो यहाँ पे कल्मिनेट हुआ। और फिर यहाँ पे एक म्यूज़िकल प्रोग्राम था जिसमें लेजेंडरी जो सिंगर्स हैं सूरज सिंह जी और उनके जो डुगर सिबलिंग्स के नाम से जाने जाते हैं रूही जूही और उनकी टीम आरजे सारंग, इन सबको के साथ यहाँ पे ये म्यूज़िकल प्रोग्राम करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि बच्चों के थ्रू, यूथ क्लब के मेंबर्स के थ्रू, ये सब जगह समाज में, सोसाइटी में ये एक मैसेज कन्वे किया जाए कि अच्छी एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स और म्यूज़िक, इस तरह की एडिक्शन की तरफ आप जाइए, ना कि ड्रग्स की तरफ जाइए। साथ ही साथ एक यहाँ सिग्नेचर कैंपेन किया गया, प्लांटेशन की गई, और इन सब जो कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं इनके माध्यम से ये संदेश, मिशन यूथ का संदेश हम सब में, यूथ क्लब के मेंबर्स में पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह की तरफ, इस कोर्स पे अगर आप चलेंगे तो ज़िंदगी जो है वो और बेहतर हो जाएगी, नशे से दुनिया दूर हो जाए। नशा जो है वो अच्छी चीज़ का करना चाहिए, जैसे हमने पहले भी बोला गाते गाते कि संगीत का नशा अगर वो दुनिया शुरू कर दे तो क्या बात हो जाए। और बाकी बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने यहाँ करवाया है, सांबा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रोग्राम करवाया है ये बहुत अच्छा, और इसमें बच्चों ने भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन्होंने दौड़ा भी और उन्होंने बाद में डांस भी किया, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हमें तो देखिए बचपन से ही हम लोग संगीत में रहे हैं, हमारे फादर साहब अभी आप सुन रहे थे उन्हें, तो हमने बचपन से ही अगर कोई नशा किया तो वो संगीत का ही किया है, म्यूज़िक का ही किया है, और अपने काम से हम जुड़े हुए हैं, अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, और हमें जितनी भी ये वेस्टर्न कल्चर है, जड़ा बाहर का जड़ा कल्चर है, उसी दिखी असें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो ये है कि जिन्ना तो सिंपल रही सकते हो उन्ना सिंपल तुस रहो, अपना शैल रोटी शुटी खाओ, मजे लाओ, दुद्ध शुद्ध पियो, ते अपने जड़े साढ़े जिन्ने भी युवा दोस्त न भैन भ्रा ने इयो मैसेज है कि खाओ ते नचो ते कन्ने दौड़ो, बस नशे से दूर रहो। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा का, जिन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे, और मैराथन कंप्लीट होने के बाद जब बच्चों ने भागा उसके बाद जब वो यहाँ आए थक के, उन्होंने वो प्रोग्राम सुना, म्यूज़िकल प्रोग्राम सुना, तो उनके अंदर ये जोश था कि हम आपके गाने पर डांस करना चाहते हैं। तो इतना बड़ा जोश जो हम बच्चों में देखते हैं या अपने बहन भाई में देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज इन बुराई, जो बुरी चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है, ये यहाँ ही दिखता है कि इनके अंदर इतना एनर्जी है, इतनी जोश है, तो ये इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नशा मुक्त जो हम भारत, ये कैंपेन हमने शुरू किया है, ये होते रहना चाहिए, इस तरीके के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए ताकि और ज़्यादा प्रमोशन इन चीज़ों को मिले।